दोस्तों कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और कुछ ऐसी ही कहानी रही है पूरे वर्ल्ड की सबसे पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला की भी, जिसके नाम से ही लाखों करोड़ों बॉटल्स दिन भर में भेज दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको शायद यह बात जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक माने जाने वाली कोका कोला अपने शुरुआती समय में पूरे दिन के महज 9 ग्लास ड्रिंक्स ही भेज पाती थी। साथ ही इस बात से भी आप शायद हैरान होंगे कि लोग कोका कोला को एक दवा के तौर पर लिया करते थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कोका कोला के शुरुआत से लेकर इसकी सफलता तक की पूरी कहानी, कि किस तरह से एक छोटे से दुकान से शुरुआत कर इस सॉफ्ट ड्रिंक ने पूरी दुनिया पर राज किया। तो दोस्तों कोका कोला को बनाने का श्रेय जाता है जॉन पेम्बर्टन को, जिन्होंने अपने दर्द से निपटने के लिए मॉर्फिन नाम के ड्रग का उपयोग किया था। दरअसल अमेरिकन सिविल वॉर के समय वह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और फिर अपने जख्म के दर्द को कम करने के लिए उन्होंने मॉर्फिन ड्रग लेना शुरू किया, जिससे कि उन्हें राहत मिलने लगी थी। हालांकि आगे चलकर दवा के लिए उपयोग किया गया यह ड्रग उनकी आदत बन गया और फिर इसी आदत को ही छुड़ाने के लिए उन्होंने कोका कोला ड्रिंक बनाया। और फिर 1885 में उन्होंने इस ड्रिंक को पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका नाम से रजिस्टर किया। हालांकि शुरुआती समय में इस ड्रिंक के अंदर कुछ मात्रा में अल्कोहल भी हुआ करता था, लेकिन 1886 में जब शराब और उससे जुड़े हुए पदार्थों का विरोध हुआ तब उन्होंने अपने ड्रिंक का नॉन अल्कोहलिक वर्जन भी बनाया। और दोस्तों इस ड्रिंक को पहली बार जैकब फार्मेसी, जो कि अटलांटा में स्थित है, वहां पर बेचा गया था। और उस टाइम इस ड्रिंक के एक ग्लास की कीमत 5 सेंट हुआ करती थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स में एक सोडा फाउंटेन्स नाम का ड्रिंक उस समय बहुत ही फेमस हुआ करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस तरह का ड्रिंक सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। और फिर इसी बात का ही फायदा पेम्बर्टन ने भी उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी ड्रिंक कई सारी बीमारियां जैसे कि सर दर्द, अपच, पेट से संबंधित प्रॉब्लम और मॉर्फिन ड्रग की लत को दूर करने में सहायता करती है। और फिर इन्हीं सभी बातों को बताते हुए 29 मार्च 1886 को अटलांटा जर्नल नाम के न्यूज़पेपर में उन्होंने अपनी ड्रिंक का प्रचार किया। और दोस्तों वहीं अगर बात की जाए कोका कोला नाम की, तो इसको रखने की सलाह फ्रैंक रॉबिन्स ने दी थी। दरअसल इस ड्रिंक में कोका नाम के पौधे का पत्ता और कोका प्लांट का ही फल इस्तेमाल किया गया था, और इसीलिए इस ड्रिंक का नाम कोका इसके पेड़ से और कोला कोका प्लांट के ही फल को कहा जाता है उससे लिया गया था। हालांकि अगर इसे सही स्पेलिंग में देखा जाए तो यह COCA कोका और KOLA कोला होगा, लेकिन नाम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें 2 C लगा दिया गया था। हालांकि एक साल ही बिजनेस करने के बाद 1887 में अटलांटा के ही एक फार्मासिस्ट असा कैंडलर ने कोका कोला का फार्मूला $2300 में खरीद लिया, और फिर इसके अगले साल ही पेम्बर्टन की भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि कैंडलर ने कोका कोला को अपने अधिकार में लेने के बाद से इसकी ब्रांडिंग पर बहुत ही जबरदस्त काम किया, जिससे कि 1890 के दशक में कोका कोला अमेरिका की सबसे अधिक पॉपुलर ड्रिंक बन गई। और फिर इसी बीच 12 मार्च 1894 को पहली बार इस ड्रिंक को बॉटल में भी बेचा गया था। हालांकि यह आजकल के बॉटल से काफी अलग दिखाई देती थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिर कुछ सालों तक काम करने के बाद से जब इस कंपनी को पूरी दुनिया में एक्सटेंड करना हुआ तब इसकी हिस्सेदारी कई सारे इन्वेस्टर्स को बेच दी गई। और फिर कंपनी को जब शेयर मार्केट में उतारा गया तब उस समय इसके एक शेयर की कीमत $40 हुआ करती थी। हालांकि आगे भी इस कंपनी को बहुत सारे लोगों ने खरीदा और बेचा, लेकिन कोका कोला ने अपनी लोकप्रियता लोगों के बीच से कभी भी नहीं खोई। और यही वजह है कि 100 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बावजूद आज भी यह ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में सबसे ऊपर आता है। और इस ब्रांड नेम को तो लोगों के दिमाग में ऐसा घुसा दिया गया है कि ठंडा मतलब कोका कोला। उम्मीद करते हैं कि कोका कोला के शुरुआत से लेकर अब तक की यह कहानी आपको भी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।